आपने एक प्रेडिक्शन करी है, 2 दिन से काफी वायरल हो रहा है आपका एक वीडियो बाजार में और काफी लोगों को पसंद भी आया जो आपने प्रेडिक्शन किया कि आने वाले 2 दशक इंडिया के होने वाले, 10-15 साल 20 साल भारत के नाम होने वाले हैं और आप देखने वाले हमारे इन्वेस्टर्स ग्रो करेंगे, हमारी इकोनॉमी ग्रो करेंगे और जो ट्विन सिलेंडर्स की आपने बात करी काफी बाजार को पसंद भी आ रहा है, लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, इंटरनेशनल सपोर्ट भी आपको इसमें मिल गया है। आज सुबह की आपकी ट्वीट भी देखी, वहां पर भी काफी रिएक्शन आ रहा है, एक बार इस पर मैं आपसे जानना चाहूंगा, पर देख लेते हैं एग्जैक्टली किस बात पर आपने ये ट्वीट करी और क्या एग्जैक्टली कहा है जो इंटरनेशनल सपोर्ट आया है इस कमेंट पर। इंडिया ऑफ कोर्स इज अ मैसिव मार्केट, इट इज अ मैसिव कंज्यूमर मार्केट, इट्स अ मैसिव प्रोड्यूसर ऑफ हाई टेक एंड हाईली सॉट आफ्टर goods as well. So there are a number of areas where these countries can work together, whether it's technology, whether it's trade, whether it is climate, whether it's COVID. So jo baat aap kar rahe the sir, consumption economy hai, manufacturing economy bhi hai, global hub ban sakta hai aage jaakar, बाकी इकोनॉमीज को सपोर्ट करता है और एक दिन ऐसा भी आएगा जब हमारे इन्वेस्टर्स बाहर के बाजारों के मूवमेंट को डिसाइड करेंगे। इस पर जरा और अपनी टिप्पणी दे सर, ये जो बड़ा सपोर्ट आया। मेरी आपकी और हमारे पूरे देश की समस्या यही है कि हम कितने अच्छे हैं ये बताने के लिए हमें कोई ना कोई बाहर वाला चाहिए। करेक्ट, और उसमें गलत भी नहीं है। हनुमान जी कितने मजबूत है ये भी जामवंत को बताना पड़ा था जी, तब उन्हें अपनी शक्तियों का एहसास हुआ। बिल्कुल, हम अपनी शक्तियों का एहसास कब करेंगे और कौन करवाएगा? मेरा पॉइंट सिंपल इतना ही है, अमेरिका जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, अगर उनको लगता है कि हम बहुत मजबूत स्थिति में, हमारे पास इतना बड़ा देश है, इतने कंज्यूमर्स हैं, कंजम्पशन ग्रोथ है, हमारे पास प्रोडक्शन ग्रोथ है, तो फिर और किस बात का आपको कॉन्फिडेंस चाहिए? मार्केट ऊपर नीचे होंगे, हमेशा होंगे। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, क्या जिन लोगों को मार्केट से डर लगता है, और डरना भी चाहिए, और मैं अगर कॉन्फिडेंस आपको दे भी रहा हूं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि यहां से मार्केट 10% 5% 15% और नहीं गिर सकते जी। हो सकता है दुनिया भर एक बार मंदी में भी जाए, ये भी संभव है, इकोनॉमिक रिसेशन हो जाए, 3-4 साल हमारा कुछ ना हो। करेक्ट, इस बात की भी संभावना है, लेकिन क्या हम एक काम कर सकते हैं? सिर्फ एक काम पहला ये कर ले कि आपके पास जो शेयर वो अच्छे हैं या नहीं वो तय कर ले। अगर आपको लगता है अच्छे हैं, ठीक है, अगर आपने टीसीएस 4000 में भी लिया, 3000 है, अगर आपको पता है कि टीसीएस अच्छा है, क्वालिटी चेक कर लें। क्वालिटी चेक करने के बाद क्या हम शांति से बैठ सकते हैं? क्या आपको अगर हर रोज भाव ऊपर नीचे देखकर स्ट्रेस आता है, हर रोज ग्लोबल मार्केट्स की हेडलाइन मेरा शो देखकर टेंशन होती है, तो क्या आप यह काम कर सकते हैं कि 6 महीने तक 12 महीने तक एक डिसीजन ले ले, मैं भाव ही नहीं देखूंगा, मैं शो भी नहीं देखूंगा, मुझे शो देख के डर लगता है, टीवी भी बंद कर देता हूं, नहीं देखूंगा, उसके बाद मैं खोलूंगा और देखूंगा क्या है, क्या इतना कर सकते? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है दीप, की हम प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हैं जी, लेकिन हमारी जो प्रॉपर्टी है उसका भाव हर मिनट ट्रेड नहीं होता जी। गोल्ड में पैसा लगाते हैं, गोल्ड का भाव 15-20% नीचे हो जाए, अगर कोई ये बोले कि गोल्ड 45,000 हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा, या तो भी आप बेचेंगे नहीं, और उल्टा ये सोचेंगे वहां लेना है। एग्जैक्टली, इक्विटी के केस में उल्टा है, क्योंकि हर सेकंड भाव बदलते हैं, एक दूसरा लिक्विड बहुत है, तीसरा ये प्रॉपर्टी बेचने के पहले आपको घर से परमिशन लेनी होती है, लिक्विड नहीं है, आसानी से बिकता नहीं, गोल्ड आप अपनी मर्जी से तो बेच ही नहीं सकते, खरीद दलील है। सो जहां आपको शेयर खरीदने और बेचने के लिए फैमिली रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, किसी की तरह से दबाव नहीं है, वहां पर आपको डर है। मैं ये कह सकता हूं, ये जरूर कहूंगा कि आपके पास शेयर अगर कचरा है तो एक अलग बात है, वहां चिंता होनी लाजमी है, लेकिन अगर अच्छे शेयर है, आपने अच्छे म्यूचुअल फंड में पोर्टफोलियो बनाया है, तो क्या समस्या है? क्या अगर आपका गोल्ड, मैं ये कहूं कि आपके 3-4 साल गोल्ड के दाम नहीं बढ़ेंगे, आप बेच देंगे क्या? नहीं। मैं बोलूं 8 साल से प्रॉपर्टी के दाम नहीं बढ़े, आपने बेची क्या? नहीं। अगर किसी के पास जो रह रहे घर उसके अलावा एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी कितनों ने बेची है? नहीं बेची। अगर कोई बिजनेस, सो क्या हम वो अप्रोच के साथ उतर सकते हैं कि मैं 3-4 साल इंतजार करूंगा, अगर मेरे पास बीच में और पैसे आए, बड़ी मंदी आई, पैसा, आप मुझे ये बताइए, 1000 से सेंसेक्स शुरू हुआ था, आज भी 50,000-60,000 के ऊपर है, 55,000 है आज भी, आप निफ्टी देखिए, आज भी आपका निफ्टी 15,000 के ऊपर है। बिल्कुल, सो अगर इतनी पहले मंदी आ चुकी है, इतना सब कुछ हो चुका है, और पहली और आखिरी बार तो नहीं आ रही, उसके बावजूद सेंसेक्स निफ्टी आपके डाउ इस लेवल पर है, और हर बार मंदी के बाद नए हाई बनते हैं। एग्जैक्टली, तो ये भरोसा इतिहास देख के तो लाइए कम से कम। एग्जैक्टली, कि हर मंदी के बाद नया हाई बनता है,
अगर आपके होल्ड करने की कैपेसिटी है तो प्लीज मैं फिर आपसे हाथ जोड़ कर कहता हूं कि मत देखिए टीवी, मत देखिए, मत अखबार पढ़िए, मत कहीं जाकर ये देखिए कि आज क्रिप्टो कितना टूट गया, आज डाउ कितना टूट गया, आज नेस्डेक सेंसेक्स कितना टूट गया, छोड़ दीजिए। अगर स्ट्रेस होता है 6 महीने मत देखिए, सेटल हो जाने दीजिए। हो सकता है और होगा भी 10%, 15%, 20% आप और नीचे आ सकते हैं, तब पैसा हो और लगाइए, नहीं तो शांति से बैठिए। पैनिक करके बेचेंगे, जब लेने का समय आप बेचेंगे तो उल्टा करेंगे। एग्जैक्टली, हो सकता है आपकी गलत एंट्री हो गई, कोई बात नहीं है। किसी भी लेवल पर आप अपनी जिंदगी में निफ्टी को 18,600 के ऊपर देखेंगे, ये लिख के रख लीजिए आराम से। अब वो किस दिन होगा, कितने समय में होगा, ये कहना मेरे लिए असंभव है। लेकिन आपने किसी भी दाम पर अगर आपने निवेश किया, अगर ठीक ठाक से शेयर में किया, फर्क इतना है कि अगर आपने खराब क्वालिटी के शेयर ले लिए हटा दीजिए, अच्छा म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए, या फिर आप निफ्टी सेंसेक्स वाले फंड में डाल के शांति से बैठ जाइए। एग्जैक्टली, कोई टेंशन मत लीजिए। सो मेरा पॉइंट सिंपल इतना है, जो मैं बात परसों भी बोल रहा था उसके एक्सटेंशन में यही कहना चाहता हूं, प्लीज पैनिक ना करें। ये समझ लीजिए मेरे 2-3 साल पैसे नहीं बनेंगे, बात खत्म। बस उतना आपने छोड़ लिया तो हो सकता है आपके 2-3 महीने में भाव आ जाए। करेक्ट बोला है, थिंक लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म सोचेंगे, शॉर्ट टर्म में काम हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल पैनिक ना करें। हाँ, नया पैसा डालने के लिए डर लगता है, भले ही ना डालें, जब बहुत पैनिक दिखे डालें, आराम से बैठें। लेकिन ये टाइम है जब आपको इरेशनल होकर, मतलब पैनिक होकर बेच बाच के निकल जाने का नहीं। और ये राय दीप जो इतना सारा बोला है, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए, सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए। जो ट्रेडर्स एफएनओ में ट्रेड करते हैं या 2-4-5 दिन के लिए ट्रेड करते हैं, मंडे टू फ्राइडे वीकली ट्रेडिंग करते हैं, बहुत लोग करते हैं, उनके लिए हमेशा की स्ट्रेटेजी, उनके लिए रोज के स्टॉप लॉस उनके लिए कि इसके नीचे बंद हो ये कर दीजिए। आपको याद है 16,950 भी उस दिन दिल पे पत्थर रख के कितना जोर से बोला था निकल जाइए। आईबुल हाउसिंग इतना जिंदगी का एक सबसे खराब कॉल में से रहा है, हिम्मत करके बोला है, होती गलती है। अगर आप ट्रेडिंग कॉल दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट वाले कॉल्स में भी गलती होती है, उस गलती को एक्सेप्ट करके आपको लॉस कट कर देना है अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। लेकिन आप इन्वेस्टर हैं तो फिर थोड़ा 3-5 साल का सोचना शुरू कीजिए, लंबा सोचिए और शांति से बैठ जाइए। 100% आपके पैसे बनेंगे इस मार्केट में अगर आपका अप्रोच लॉन्ग टर्म है तो। एग्जैक्टली, तो भरोसा रखना है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर, हमारी मार्केट पर, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे पैसे आपके बनने वाले हैं। चलिए सर, लॉन्ग टर्म की बात होगी, शॉर्ट के बारे में बताएं ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं। अल्टीमेटली तो सब लोग शॉर्ट टर्म ही सुनना है, मतलब लॉन्ग टर्म तो हमको पता है नहीं। जी, आप क्या नया बता रहे हैं? मैं कुछ भी नया नहीं बता रहा, नया बताने की मेरी कोई ऐसी वो है भी, क्षमता भी नहीं है। सिर्फ आपको वो याद दिला रहा हूँ जो आपके अंदर है। करेक्ट, मैं वही बोल रहा हूँ कि आप हनुमान है, मैं जामवंत हूँ, मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि आपके अंदर क्या ताकत है। एग्जैक्टली, बस।